तो 2-3 दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया तो हमने इससे जो आगे बने वहां पे खड़े होकर कुछ व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन अब पानी की सतह इससे ज्यादा ऊपर हो चुकी है। ये यहाँ के जो बासी थे, जो यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले थे, वो लोग सारे घर यहाँ पे तबाह हो चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये खुदा का घर है, ये मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि सैलाब की काफी सूरत हाल, जो दरिया सतलुज जो जहाँ से मेन इसकी एंट्री हो रही है, अदील भाई और मैं अब उस साइड पे जा रहे हैं, कुछ आपको वहाँ के सीन दिखाएंगे, फिर आगे जो गांव के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल बनी है उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना आपको दिखा सके। और पहले भी जो वीडियोस उसमें आपने तकरीबन हमने जितने भी गांव 11-12 कवर किए हैं उनके अंदर आपको आवाम खुद बता रही कि हमें हुकूमत की तरफ से क्या रिलीफ मिला है। तो बाकी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो अब जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है हैट सुलेमान के सेक्टर दरिया सतलुज का आगे जो बहाव जा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आगे उन गांव में भी जाएं, आपको वहाँ के हालात भी दिखाएंगे क्या तबाहकारियां हो रही हैं। तो यहाँ से अब कुछ फुटेज आपको ड्रोन के दिखाएंगे इस सारे एरियल व्यू की। यहाँ की अब आपको फुटेज दिखा के आगे जो दोनों कुतुब साड़ू, नूर मोहम्मद बैनी, हासिल साड़ू और जिस जगह पे मुतासरीन इलाके हैं जो सैलाब की जद में आए, हम कोशिश करेंगे जो बारिश की हो रही है वो भी आपको दिखाएं और आगे जितने भी मामलात हैं तो वो भी आपके साथ दिखाएं। अच्छा आसिफ भाई, अभी हम कौन सी बहनी में खड़े हैं? हम खड़े हैं जी बहनी नूर मोहम्मद वाले, और यहाँ से इनको कुछ ड्रोन के शॉट्स दिखाए जाएंगे। हम दिखाएंगे जी जन्म जो सूरत हाल है ड्रोन शॉट के साथ। नूर मोहम्मद वाली के चारों अतराफ पानी है और इसके जो मुजाफात में गांव है वो भी हम दिखाएंगे। चले फिर। आसिफ भाई, आप किस जगह पे आए हुए हैं? हम लोग ये है जी फैजाबाद, बिकरी खू और इसके मुजाफात के जो देहात होंगे वो आप दिखाएंगे और साथ ही आसिफ साड़ू के मुजाफात जो गुजरां वाली जलार। चले जी, ये अब यहाँ से आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह।
भाई अपना नहरी बहरी नूर मोहम्मद से दोनों कुतुब साड़ू की तरफ जा रहे हैं, एक सेकंड इमरान भाई इधर है, बाइक आ रही है पीछे। यार इमरान भाई आपने पहले भी विजिट किया है 88 के फ्लैट भी है, हमारी शायद इस वक्त इतनी उम्र नहीं होंगी। अब जैसे ये ड्रोन से भी हम फुटेज दिखा रहे हैं, मैंने सुना है कि इस दफा उससे ज्यादा जो है ये नुकसान हुए। अच्छा तो आप बाइक पर जिस तरह हमारे प्यारे भाई मियां अपरार वट्टू साहब को देख रहे हैं, इन्होंने अपने कजन के साथ एक टूर प्लान किया था कि 14 दिन गुजरने के बाद जो इनकी बहनी में पानी था किस हद तक क्या वो ऊपर गया या नीचे आया, तो ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने एक बोट का इंतज़ाम किया और वो देखने के लिए चले गए। तो साथ ही जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने आपको लेके जाना है, तो इससे पहले थोड़े से ये क्लिप्स देखें जो ये अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर पहुँचे और अब 14 दिन गुजरने के बाद वहाँ के क्या हालात हैं। हम इस वक्त दरियाए सतलुज हैद सलमान की से आगे दोना कुतुब साड़ू के मुसाफात में हैं और ये एक बस्ती है जिसका हम विज़िट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ कुछ लोग अगर हैं तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और ये सामने एक बस्ती है मियां नईम खान साहब की, यहाँ भी 30-40 घर थे, ये भी हम आपको दिखाएंगे जाके वहाँ पे कि जो कच्चे घर थे वो सारे तबाह हो गए। और इसी तरह अगर सामने दिखाएं तो वो 3 घर आपको नज़र आ रहे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, उसके साथ 2 घर और नज़र आपको आ रहे हैं। तो ये कोई 7-8 हज़ार एकड़ रकबा है जो कि यहाँ पे धान की फसल होती थी, यहाँ पे तिली की फसल थी, मक्की थी और ये पाकिस्तान को खुराक प्रोवाइड करने वाला इलाका था। और दरिया से ये दूर है जहाँ पे आम हालात में दरिया नहीं आता। और अभी यहाँ पे आप कैमरे की मदद से देख ही रहे हैं कि ऐसी तबाही है और ऐसी बर्बादी है कि अब यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास भी शायद जो स्टोर है वो तो उनके पास हो लेकिन आने वाले साल में उनके लिए भी खाने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं होगा। ये है जी बस्ती मियां नईम खान साड़ू साहब की और यहाँ पे 50-60 घर आबाद थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ की जो हालत है वो नलके लगे हुए हैं, लोगों के जो झोंपड़ी थी जो घर थे वो गिर गए हैं और यहाँ ज़िंदगी के सारे आसार नज़र आ रहे हैं आपको सिवाय एक आध इंसान के। और सामने मस्जिद भी है, खुदा का घर है और ये उनके जानवरों की जो चारे की खुरली है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है और ये छपरी गिरी हुई है उसके साथ तो नीचे ही दरवाज़ा आया हुआ है। आगे हम आपको दिखाएंगे ये सामने ये घर हैं और वो अगर सामने मेरा कैमरामैन मेरा भाई आपको दिखाए एक वो आबादी है जहाँ पे 4-5 फीट पानी है और बिल्कुल सामने भी वो देखिए अगर कैमरा जूम करेंगे तो वो आपको एक घर नज़र आ रहा है। ये 50-60 घर है, ये अगर दोबारा तामीर किए जाते हैं तो मैं नहीं समझता मकामी ज़िम्मेदार ये सारा बोझ उठा सकेगा। और चूँकि मकामी ज़िम्मेदारान की भी यहाँ पे फसलें थी वो भी सारी उजड़ गई, वो सर्वाइव कर जाएँ लेकिन ये जो लोग हैं जो यहाँ पर बस रहे थे अब वो दोबारा यहाँ पर आएँगे। अभी दरिया जो है वो तुगयानी में है, मज़ीद पानी बढ़ता जा रहा है और जब वो लोग यहाँ वापस आएंगे और वो ये देखेंगे अपने घरों के हालात तो उन पे क्या गुजरेगी। मेरी पाकिस्तान के तमाम गयूर नौजवानों से, पाकिस्तान की एनजीओ से और हुकूमत वक्त से अपील है कि ये है वो तिनका जो गरीब इकट्ठा करता है और अपने सर पर छत कायम करता है। ये आप देख रहे हैं कि गिर गए और ये कमरा भी गिरने वाला है क्योंकि पानी यहाँ बढ़ रहा है। अभी भी हैद सलमान की से 84,000 क्यूसिक जो है वो पानी क्रॉस कर रहा है और ये भी गिरने वाला है। तो खुदा के बंदों, खुदा की बस्ती पे खुदा के बंदों को तुम्हारी ज़रूरत है। वो क्या इकबाल का शेर है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अच्छा जी नाजरीन, अब ये हम दोना कुतुब साड़ू से जो आगे मेन जहाँ पे दरिया का पानी आप कह लें कि इनका जो बंद लगा हुआ है जहाँ पे मतलब अब 4x4 के अलावा गाड़ी भी नहीं जा सकते, बारिश का भी सीजन चल रहा है, तो वो आपको जरा दिखाना चाह रहे हैं। और भाई शुएब साहब मेरे साथ हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं,
यहाँ के मुकीम है, ये हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब जिस तरह ये भाई जान ये धान के लिए इन्होंने अब ये पनीरी रखी हुई है ना, हाँ जी धान के लिए, अब ये वल्लाह आलम कब होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी, अल्लाह नोज क्या होता है। ये आपको थोड़ा सा मैं जूम में दिखाता हूँ, ये देखिए अब नजदीक हो रहे हैं, फील्ड लाइक जैसे हम एक समंदर के किनारे पे जा रहे हैं, हर तरफ पानी पानी। अब आगे बाइक खड़ी है, क्या बनेगा जालमा, तेरा ही इंतजार है। बंदा हमारा ड्राइवर एक्सपर्ट है बॉस। अच्छा जी अब ये सामने पानी 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 पानी, चंगा ही हो गया मोटरसाइकिल नहीं लिया। भाईजान ये कौन सी बहनी है? अच्छा ये बैनिंग या फखर याद साड़ू और ये आगे यहाँ तक। अच्छा इससे मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि दोनों कुतुब साड़ू जो मेन पिंड है वो यहाँ से कितने पीछे रह जाता है इस पानी से? पीछे किलोमीटर भी नहीं बनता, वो आप पीछे दिखा ना वो बिल्कुल सामने वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है और ये आप दिखा रहे नहीं साथ ही जाकर लगा हुआ है पानी। और ये पानी की यहाँ से मतलब बंद की शक्ल में कह ले जिस तरह कह ले कि यहाँ पे रोक दिया गया है। दो तीन दिन पहले यहाँ पे कवरेज दी थी ना, उससे आप ये खुद अंदाजा लगा ले पानी कितना बढ़ा हुआ है। पानी बहुत बढ़ गया है, कम से कम एक फुट या दो फुट पानी बढ़ गया इस वक्त। सही। और कौन से ये लोग खड़े ना बेचारे, ये वो बाहर निकल वहाँ से निकले रुकड़ अपनी मदद रात पे कहता है जिस तरह वो एक बाबा जा रहे पत्नी क्या क्यूँ ले जा रहे हैं देखो। सबको सही मान बिल्कुल यार यहाँ से तो पानी, जब यार हम जब आए ना तो उस जगह पे हमने खड़े होके ना उस बर्न पे खड़े होके वीडियोस वगैरह बनाए, वीडियोस वगैरह बनाई और वहाँ पे पानी नहीं था। ये देख सकते हैं आप पानी ये वहाँ से भी निकला है और ये इधर ऊपर आ गया बिल्कुल। और वो आगे कौन से वो आप देख रहे हैं ना, वो अब उन्होंने ये मूंगी की कौन सी फसल है वो लगाई हुई है, वो लगाई। अच्छा जी तो लास्टली जब हम ये दोना दलेल का लाला अमर सिंह से होकर जब वापस आए हैं दोना कुतुब साड़ू, तो दो तीन दिन पहले जब यहाँ पे आए तो हमने इससे जो आगे बने वहाँ पे खड़े होकर कुछ व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन अब पानी की सतह इससे ज्यादा ऊपर हो चुकी है। तो हमारे साथ हमारे शहर के मौजूदीन भी हैं, मियाँ राशिद मलिक का भट्टू साहब भी हैं, मियाँ असफ अली दार मियाँ साहब हैं, शुएब भाई हैं, तो मियाँ साहब से जानेंगे। मियाँ साहब अब आखिर अब तो कुछ बचता ही नहीं है, तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब हुकूमत की या इंतजामिया की सेटिस्फेक्शन, या कोई बंद बनाया गया या कोई फूड का इंतजाम किया गया, जिस तरह कल भी सारा दिन आसिफ भाई बताते रहे इवन दो एक एक गांव की है आप भी पहले विजिट करते रहे, तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो मैं हल्का विजिट किया है, मैं लाला अमर सिंह भी गया, अगे आजम छीना गया, दोना म्याना गया, मैं टोटल वेखदा पिया कि टोटल सिर्फ साड़ू बिरादरी का कम अज कम 7,000 to 9,000 एकड़ खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। सही। और पिछली दफा भी मैं आया इतने विजिट किया है, आज फिर हाजरी हुई है, मैं कोई अमला सरकार दा गवर्नमेंट दा इतने नहीं वेखा कि जेड़ा आते ते सैलाब जुल्गान की मदद कर रहा होवे। और मैं आज भी रिक्वेस्ट कर सा खसूसन मिंचनाबाद दे असिस्टेंट कमिश्नर नू कि यार थोड़ा माल खाओ ते कोई अवाम ते भी ला दियो। बाकी जी आपसे अब यही दुआओं की दरखास्त है कि इंतजामिया को भी यही कहेंगे सारा विजिट किया है, सारे मामला देखे, कल भी वीडियोस लगाएंगे, अब भी लगा रहे हैं, आगे भी लगाते रहेंगे, जो हमारे जितना हम कर सकते हैं शुएब भाई उतना तो इंशाल्लाह हम करेंगे। और बस ये है कि जिस तरह मतलब हम फिर ऐसे अगर यूट्यूबर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं ठीक है, आप सोशल मीडिया की आवाज बने, टीवी पे जो हकाइक बताए जाते हैं वो कभी भी दुरुस्त नहीं होते, वो फिगर वो होता है जो आपको पेड प्रमोशन के जरिए कलवाया जाता है। ये एक मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, हाँ, शायद मुझे ना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये हकीकत यही है। और कम से कम इन बेघरों और बेआसरा लोगों की आवाज हुकूमत तक आप लाजमी पहुंचाएं। ये अब पीछे देख ले क्या सिचुएशन है, अब गाड़ी के अंदर किस तरह जा रहे हैं, चलें जी फी मानेगा।